आज जो हम करेंगे बात वो करेंगे 10 ठाठों के बारे में। 10 ठाठ हैं, 10 ठाठों में कौन कौन सा सुर लग रहा है, और जो बेसिक मसीकी है उनमें से 10 ठाठ जो लगाए जाते हैं, बजाए जाते हैं, वो 10 के 10 ठाठ आज मैंने अच्छे तरीके से लिख कर उनके सुर कौन कौन से लग रहे हैं, किस किस राग में कौन कौन सा सुर लग रहा है। तो आप जे जो टेक्निक आज मैंने की है, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसे फॉलो कर लिया तो आप लोग अच्छे तरीके से 10 ठाठों का आपको पता चल जाएगा। पहला जो ठाठ है वो बिलावल है। सरे गम पधनी सा सनी दबम गरे सा। तो इस ठाठ में सभी के सभी सुर लगते हैं शुद्ध, सात सुर शुद्ध है, 4 सुर कोमल है, 1 तीव्र है। तो वीडियो आपने पूरी देखनी, पूरी देखेंगे तो फिर आपको समझ लगेगी कि किस तरह आप 10 ठाठों पे अच्छे तरीके से ऐसे खुद भी याद रख सकते हैं। ये देख लें, सारे 10 के 10 ठाठ लिखे हुए, फिर ये देख ले, ये 10 ठाठ हैं, इनमें से जो जो जिस जिस ठाठ में सुर लगता है वो सुर अपने पास इसी तरह आप अच्छे तरीके से अपने पास लिख कर रख ले, लिख कर अच्छे तरीके से अपने पास रख ले, तो आपकी सेफ्टी के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। ये भी देख ले अच्छे तरीके से, 10 ठाठ हैं, 10 ठाठों में 7 के 7 सुर लग रहे हैं, 10 ठाठ हैं, 10 ठाठों में से आगे जो राग निकलते हैं वो भी इन 10 ठाठों में आते हैं। मतलब पूर्वी से लगकर सारे, मतलब 10 के 10 ठाठ लिखे हुए, आप अच्छे तरीके से अपने पास लिख कर रख लें। अभी ये देख लें, 7 सुर शुद्ध हैं, 12 सुर जो हैं वो इकट्ठे किए गए थे इन रागों को बनाने के लिए, 4 सुर कोमल हैं, 1 सुर तीव्र है, वो मां है। तो 10 ठाठ हैं, इन 12 सुरों में से 10 ठाठ बनाए गए हैं। मतलब आप अच्छे तरीके से इसकी रियाजत और करेंगे तो फिर आप, मैंने इसलिए लिखकर रख लिया था कि ताकि आप लोगों को ज्यादा, वीडियो लंबी हो तो फिर कोई अच्छे तरीके से देखता नहीं। ये आप स्क्रीन शॉट ले लें, अपने पास रख लें, या वैसे इस तरह आप लिख सकते हैं। अभी जो है राग ठाठ जो है, सॉरी ठाठ बिलावल, सरे गम पधनी सा सनी धप मगरे सा, इसमें 7 के 7 सुर जो हैं वो शुद्ध लगे हैं। अभी जो है राग ठाठ कल्याण, सॉरी ठाठ कल्याण में 1 सुर लगता है मा तीवर, बकाया सभी शुद्ध सुर है। सरे गम पधनी सा थनी धप मगरे सा सनी धप मगरे सा। तो ये था ठाठ कल्याण। तो अगला जो हमारा तीसरा ठाठ है वो खमाज है। खमाज ऐसे है, अभी खमाज में भी सभी जो सुर हैं वो शुद्ध लगे हैं, नी इसमें कोमल है,
सारे गामा पधनी सा सनी धा पम गरेसा। अभी जो दोस्तों आ रहा है ये है काफी ठाट। काफी ठाट में दो सुर लगे हैं कोमल, बकाया सभी शो सुर। सारे कोमल का कोमल नहीं लगा है इसमें। अगला जो ठाट हमारा आ रहा है ये ठाट है भैरो। इसमें भी दो सुर लगे हैं कोमल, बकाया सभी शो सुर हैं। वो कैसे हैं ये देखें जरा। सारे कोमल ग शुद्ध म प ध कोमल नी सा सा नी धा प म ग रे सा। अभी जो हम ठाट कर रहे हैं ये है ठाट मारवा। सा रे ग म प ध नी सा ठाट है असावरी। इसमें तीन सुर कोमल लग रहे हैं, बकाया सभी सुर जो हैं वो शुद्ध हैं। तो कैसे देखें जरा। सरे ग म प ध नी सा सा नी धा प म ग रे सा। तो ये ठाट असावरी है। इसमें अभी हम ठाट पूर्वी करेंगे। सरे ग शुद्ध है मा तीवर प ध नी सा सा नी धा प म ग रे सा। रे कोमल है, गा शुद्ध है, मा तीव्र है, पा शुद्ध है, धा कोमल है, नी शुद्ध है। सारे गा मा प ध नी सा सा नी धा प म ग रे। ये होगा हमारा पूर्वी ठाट। अभी जो हम ठाट करेंगे ये ठाट है ठाट भैरवी। सारे गा मा प ध नी सा नी धा प म ग रे सा। इसमें चार सुर कोमल हैं, तीन सुर शुद्ध हैं। रे कोमल, गा कोमल, मा शुद्ध, पा शुद्ध, धा कोमल, नी कोमल, सा शुद्ध है। ये तो वैसे तार सप्तक का सार। सा रे ग म प ध नी सा सा नी धा प म ग रे सा। तो वीडियो तो काफी लंबी बन सकती थी लेकिन इस वजह से मैंने पहले लिख कर रख लिया ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल सके और आप अच्छे तरीके से। अभी जो दसवां ठाट है हमारा ये टोटी ठाट है। दसवां जो ठाट है हमारा ये टोटी ठाट है। तो ये इस तरह है। सारे रे कोमल, गा कोमल, मा तीव्र है, पा शुद्ध है, धा कोमल है, नी
शुद्ध है सा। सानी धा पामा